संतूर एस्पेरा में जाने से पहले मैं इसका आपको थोड़ा सा लोकेशन समझा देता हूँ। देखिए, ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है और ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ ये बजगेड़ा रोड का इंटरसेक्शन है। यहाँ पे ही अंडरपास बन रहा है पैकेज 3 में द्वारका एक्सप्रेसवे में। अगर यहाँ से हम इस डायरेक्शन में जाते हैं कृष्णा चौक की तरफ, इस पॉइंट से यहाँ पे 1.9 किलोमीटर है कृष्णा चौक, यानी बजगेड़ा अंडरपास से लेकर कृष्णा चौक जो है वो 1.9 किलोमीटर है। और कृष्णा चौक से जब इस पॉइंट से हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो यहाँ पे पहला मेट्रो स्टेशन आएगा कृष्णा चौक के पास, ठीक यही लोकेशन है उस मेट्रो स्टेशन का। और यहाँ से अगर हम 1.3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है संतूर एस्पेरा। और इसका जो मेन गेट है, यहाँ से अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पर जाते तो लगभग 150 मीटर के बाद ठीक इसी जगह पे, जहाँ पे ये आप मार्केशन देख रहे हैं, यहाँ पे सेक्टर 3 का मेट्रो स्टेशन होगा। तो कृष्णा चौक से संतूर एस्पेरा जो है वो 1.3 किलोमीटर है। और अगर हम ओवरऑल देखें द्वारका एक्सप्रेसवे से संतूर एस्पेरा का डिस्टेंस, तो ये ओवरऑल 3.2 किलोमीटर पड़ता है, काफ़ी पास है। और इसके जो इस तरफ का अपार्टमेंट है, यहाँ से ये विला फेसिंग अपार्टमेंट्स है और यहीं से द्वारका एक्सप्रेसवे भी दिखता है। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि सेक्टर 3 का मेट्रो स्टेशन यहाँ पे है, ये प्रपोज मेट्रो स्टेशन है। जब भी काम शुरू होगा ठीक इसी लोकेशन में मेट्रो स्टेशन आएगा। और यहीं से अगर हम आगे चले जाते हैं तो इसी रोड को पकड़ते हुए हम कृष्णा चौक के पास आ जाएंगे। और कृष्णा चौक से हम चाहें तो उद्योग विहार की तरफ या NH 8 की तरफ भी जा सकते हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये मेट्रो स्टेशन हैं यहाँ के, उसका अलाइनमेंट है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे ये ओल्ड गुड़गांव का मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 22 का प्रपोज्ड। और ये वाला जो आप येलो लाइन देख रहे हैं, ये उद्योग विहार फेज़ 4 में जो रैपिड रेल का स्टेशन है वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब सेंटूर एस्पेरा से 5 स्टेशन आगे यहाँ और यहाँ इसका इंटरचेंज होगा। यानी कि आप रैपिड रेल वाले मेट्रो स्टेशन से ओल्ड गुड़गांव वाले मेट्रो स्टेशन पे स्विच कर सकते हैं, या ओल्ड गुड़गांव वाले मेट्रो स्टेशन से रैपिड रेल के स्टेशन में स्विच कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो सेंतूर एस्पेरा देखिए, एक मेट्रो स्टेशन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, पांचवा, छठा, सिक्स्थ मेट्रो स्टेशन है। मतलब यहाँ पे अगर इस मेट्रो स्टेशन में आपने बोर्ड कर लिया तो इसके बाद आपको 5 मेट्रो स्टेशन और आगे जाने पड़ेंगे, और वहाँ पे आप ओल्ड गुड़गांव वाले मेट्रो स्टेशन से रैपिड रेल वाले मेट्रो स्टेशन पर स्विच कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो प्राइस है वो बहुत कॉम्पिटेटिव है मार्केट के हिसाब से। आइए अब मैं आपको संतूर एस्पेरा में लेकर चलता हूँ, और इनके जो डायरेक्टर हैं, जो ओनर हैं, जो खुद भी आर्किटेक्ट है, मिस्टर मनीष जैन जी, उनसे मिलवाता हूँ। सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। फाइनली आपका प्रोजेक्ट आज रिव्यू करने के लिए मिला है। काफ़ी टाइम से आपका अपॉइंटमेंट चाहिए था बट हो नहीं पा रहा था कोऑर्डिनेशन। जी सर, कुछ USPs तो मुझे पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, और जो सबसे बड़ा USP मुझे समझ में आता है वो है कि जो यहाँ का मेट्रो स्टेशन है, जो प्रपोज मेट्रो स्टेशन है ओल्ड गुड़गांव वाला, वो वॉकिंग डिस्टेंस है आपके प्रोजेक्ट से? बिल्कुल बिल्कुल, विद इन 100 मीटर्स प्रपोज मेट्रो स्टेशन है इसका जी। एंड इस प्रोजेक्ट के सामने से पूरी मेट्रो लाइन जाएगी जी जी। एंड फ्यूचर कनेक्टिविटी विल बी एक्सेलेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट। राइट, तो यहाँ से अगर हम साइबर हब जाते हैं तो 5 मिनट्स मेट्रो के थ्रू, 10 मिनट्स मैक्सिमम, 10 मिनट्स। और यहाँ पे रैपिड रेल का भी जो स्टेशन है उसके साथ इसका इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज पर। और द्वारका एक्सप्रेस वे यहाँ से रफली मुझे समझ में आता है 5 मिनट्स का ड्राइविंग डिस्टेंस, 5 मिनट्स मैक्सिमम, 5 जी। सर, मैं तो आपके बारे में जानता हूँ बट मैं चाहता हूँ कि जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं उनको भी आपके बारे में थोड़ा सा पता चले। और मुझे पता है आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हो सकता है व्यूअर्स को ऐसा ना पता हो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो एक थोड़ा सा अपना ओवरव्यू दे दीजिए प्रोजेक्ट्स का कि कहाँ कहाँ पे हमने किस किस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। संतूर ग्रुप के नाम से हमारा कंपनी है जी, and we have already completed more than 20 projects. More than 20 projects? In NCR and outside, yeah. Okay. Not exactly under Santur Group. Okay. Earlier we were working under different names also. All right. Completed a project in Panchkula, we've completed a project in Gurgaon. Okay. Affordable housing. संगम कोर्टयार्ड इन दिल्ली, दैट्स अ वेरी प्राइम प्रॉपर्टी। सर, संगम कोर्टयार्ड यानी जो आरकेपुरम में एक सिनेमा हॉल हुआ करता था, संगम सिनेमा हॉल, उसको हटा के, उसको तोड़ के हमने पूरा नया मॉल बनाया था जो। हाँ जी। ओके, इट्स अ हाई एंड फाइन डाइनिंग मॉल जी, एंड दैट इज आवर प्रॉपर्टी। ओके ओके। और अभी जिस प्रोजेक्ट में है हम सर, हाँ जी, इसके क्या क्या USPs हैं? बिल्कुल शहर के बीचों बीच है प्रोजेक्ट जी। मतलब आप प्रोजेक्ट से बाहर निकलिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल, यू आर राइट इन द सेंटर ऑफ द सिटी। राइट, एंड वंस यू आर इनसाइड द प्रोजेक्ट यू हैव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अमेनिटीज। ओके, इट्स अ स्मॉल बुटीक प्रोजेक्ट। ओके, बट इट हैज ऑल द अमेनिटीज पॉसिबल। इट हैज
two swimming pools. Okay. It has a leisure pool. Okay. It has a 6,000 square feet clubhouse. It has sports facilities. It has double height stilt. Okay. Where all the indoor double games. Height stilt तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ. ये जो height है वो double heighted है. हाँ जी. जी. And all the indoor games will be part of the double height stilt also. Okay. For the kids. All right. आपको क्या लगता है कि सर जब द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ होगी तो उसका इम्पैक्ट इस प्रोजेक्ट पे भी पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग? बिल्कुल पड़ेगा. प्राइसेस विल डेफिनेटली गो अप मेनी फोल्ड्स. ओके. वंस द द्वारका एक्सप्रेसवे इज देयर द कनेक्टिविटी फ्रॉम दिल्ली बिकम्स मच मच बेटर. यस यस. और 5 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस है. 5 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस है. और इसमें सबसे बड़ा USP यू आर इन द सेंटर ऑफ द टाउन. राइट. आप बिल्कुल शहर के बीचों बीच हो. वो सारे अभी जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी जंगल में हैं. बिल्कुल जी. हियर यू आर राइट इन द सेंटर ऑफ द सिटी. जी. एंड यू हैव बेस्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशंस एंड बेस्ट ऑफ द अमेनिटीज इन दिस प्रोजेक्ट. जी सर. अब हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं. प्रोजेक्ट का 3D मॉडल मैंने देखा है. तो हम पहले 3D मॉडल में एक बार जान लेंगे कि क्या चीज़ कहाँ पे है एंड देन वील गो एंड सी दी प्रोजेक्ट. हाँ जी. जी सर. ये आपका 3D मॉडल है. हाँ जी. तो इसमें जो पूरा प्रोजेक्ट है सेंटूर एस्पिरा, हाँ ये कितने एकड़ का है? ये 2.56 एकड़स में प्रोजेक्ट है. 2.56 एकड़स. हाँ जी. इट्स अ स्मॉल प्रोजेक्ट वेयर वी हैव 3 टावर्स इन दिस प्रोजेक्ट. ओके. एंड अ स्मॉल EWS टावर इज देयर. ओके. द एंट्रेंस इज राइट फ्रॉम मेन सेक्टर रोड विच इज 30 मीटर वाइड. मतलब ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से एंट्रेंस है? हाँ जी. यहाँ से वी हैव द एंट्रेंस. ओके. एंड वो पीछे वाला EWS है? हाँ, पीछे वाला. ये आपका EWS लग नहीं रहा है ऐसे देखने से. इट हैज बीन डिजाइंड वेरी नाइसली सो दैट इट गिव्स अ प्लीजिंग लुक. ओके. एंड ये हमारे 3 टावर्स हैं. ये 3 टावर्स हैं. ओके. आर्किटेक्चरली इट हैज अ यूनिक डिजाइन. जी. विद जाली ऑल अराउंड द ब्लॉक्स. ओके. GRC जाली व्हिच विल जाली मतलब ये वाला जो आप बता रहे हैं. हाँ जी. ओके. इसमें सर साइजेस क्या क्या अवेलेबल हैं? साइजेस जनरली 2 BHK है, 3 BHK नहीं, 3, 5 and 6 BHK हैं. 3 BHK, 5 BHK एंड 6 BHK. हाँ जी. 3 BHK बेसिकली 1900 स्क्वायर फुट का फ्लैट है. जी. एंड द USP इज कि उसकी सीलिंग हाइट हमारी मोर देन 10 फीट है विच इज़ नॉट अवेलेबल इन एनी प्रोजेक्ट जब तक कि वो बहुत ही हाई एंड प्रोजेक्ट ना हो. 10.5 फीट का सीलिंग है सर? हाँ जी. ओके. ये सब हम एक्चुअल में होगा ये जगह अगर हम जब सैंपल फ्लैट में जाकर देखेंगे? हाँ जी. हाँ जी. जब चलेंगे ऊपर तो वी कैन हैव अ लुक. ओके जी. अब इसमें और क्या क्या मैं देख सकता हूँ कि क्लब हाउस विच इज लाइक 6,000 स्क्वायर फीट ऑफ क्लब हाउस यहाँ पे जो दिख रहा है. हाँ जी. जी. वी हैव अ वॉकिंग ट्रैक, वी हैव अ जॉगिंग ट्रैक, वी हैव अ चिल्ड्रंस प्ले एरिया. ओके. वी हैव स्केटिंग रिंग, वी हैव बैडमिंटन कोर्ट्स. तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इतने छोटे से प्रोजेक्ट में आपने कैसे किया सर? बस कॉम्पैक्ट हमारा क्योंकि बिल्डिंग बड़े कॉम्पैक्टली प्लेस्ड हैं. जी. तो वी हैव द लार्जेस्ट ग्रीन एरिया एंड इट हैज गॉट प्लैटिनम रेटिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. दिस प्रोजेक्ट हैज गॉट प्लैटिनम ग्रीन रेटिंग. सर ये रेटिंग क्यों मिलता है और कैसे मिलता है? ये मिलता है कि वी हैव कितना हमने प्लॉट एरिया यूज किया और कितना हमने ग्रीन्स छोड़ा है इसमें. ओके. क्योंकि इसमें हमारा मैक्सिमम एरिया इज अंडर ग्रीन्स. ओके. सो वी गॉट द प्लैटिनम रेटिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट. सो इसमें टोटल कितने अपार्टमेंट्स है सर? इसमें 138 अपार्टमेंट्स है इन टोटल. सिर्फ 138 अपार्टमेंट्स? हाँ जी. और अगर 138 अपार्टमेंट्स है तो हमने पार्किंग कितना इसमें रखा हुआ है? पार्किंग इसमें 200 कार्स की अवेलेबल पार्किंग है. और 200 में सर जो विजिटर्स हैं उनकी पार्किंग भी है? नहीं, विजिटर्स पार्किंग हमारी इधर जो सामने रोड बनेगा सर्विस रोड. जी. विजिटर्स वुड बी प्लेस देयर. मतलब ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं? हाँ जी. ये पूरा विजिटर्स कार पार्किंग डेडिकेटेड दैट विल बी यूज्ड फॉर विजिटर्स पार्किंग. ओके. एंड कार कहाँ से जाएगी अंदर और कैसे बाहर आएंगे लोग? कार हमारी वी एंटर फ्रॉम हियर. ओके. Behind these towers, we have drop-off for each tower. We have these 3 drop-offs through which we enter the tower. अच्छा, मैं सामने के साइड से जब देख रहा था मुझे यही लग रहा था कि लोग उतरेंगे कहाँ? So drop-off. We drop-off on these 3 points. Okay. We enter the tower and the car goes into the basement. ये बेसमेंट में जाने का रैंप है? हाँ जी. सर ये आपने 3D मॉडल में तो बहुत सारा ग्रीन बना दिया है आपने. नहीं नहीं, ये एक्चुअल वो एक्चुअल बनेगा. एक्चुअल में जब बनेगा तो भी ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बनेगा. ओके. एंड यहाँ सारी हमारी ओपन पार्किंग है, कार पार्किंग है अलोंग दिस रोड आल्सो. अच्छा, ये वाले सेक्शन में पूरा? हाँ जी, ये पूरी ओपन कार पार्किंग है. ओके. एवरी टाइम यू नीड नॉट गो इनटू द बेसमेंट. ओके. यू कैन पार्क योर कार राइट इन फ्रंट ऑफ योर टावर आल्सो. सो हमारे पास यहाँ पे ओपन कार पार्किंग भी है, स्टिल्ट में भी कार पार्किंग है, में भी कार पार्किंग एंड बेसमेंट में भी कार पार्किंग. एंड बेसमेंट में तो पूरी कार पार्किंग. ओके. बेसमेंट इज फॉर 150 कार्स. ऑलराइट सर. मैंने ये देखा है कि काफी सारे बारिश के टाइम पे बेसमेंट में
ज्यादातर पानी चला जाता है एक्सपेंशन जॉइंट से। नहीं नहीं, हमने क्या प्रोविजन किया क्योंकि आप खुद भी आर्किटेक्ट हैं। मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, वी टेक अटमोस्ट केयर इन ऑल द स्पेसिफिकेशंस। जी आई कैन रियली अश्योर यू कि उस तरह की यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। हम बेसमेंट में भी चल के देखेंगे सर कि ऐसा कोई पानी का प्रॉब्लम तो है नहीं। नहीं, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बेसमेंट इज नॉट फिनिश नहीं है, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी जी, एज यू कैन सी जो हमारे तीनों टावर्स हैं जी, दे आर फेसिंग ईस्ट। ओके, एंड फ्रॉम राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग ऑल द थ्री टावर्स गेट द एंटायर सन। आपको हर बालकनी में धूप आती है इसमें थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे एंड इवनिंग टाइम। सारा आफ्टरनून के बाद बैक वाले जितने पीछे वाले फ्लैट्स हैं। ओके, सो विच मींस की जो पूरा दिन है फ्लैट्स, हाँ, जो दिन दिन में पूरे सामने वाले फ्लैट्स में धूप आती है एंड सुबह से आफ्टरनून तक सामने वाले फ्लैट्स में आती है जी, एंड आफ्टरनून टू इवनिंग पीछे वाले फ्लैट्स में पूरी धूप आती है। ये पीछे वाला फ्लैट का यही अलाइनमेंट है सेम? हाँ जी। और यहीं से अगर हम पीछे वाले फ्लैट्स अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे का व्यू मिलता है। बिल्कुल सर, आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको मौका दिया जाए कि आप इसी प्रोजेक्ट में आपका अपना घर हो तो आपका फेसिंग कौन सा होगा? आपका फ्रंट फेसिंग होगा या पीछे जो विला फेसिंग है वो वाला होगा? मैं एक फ्लैट फ्रंट फेसिंग रखूंगा क्योंकि मेजर ग्रीन मेरा रोड फेसिंग है जी, और मेजर ग्रीन मेरा आगे की तरफ है जी, तो मैं पूरा एक फ्लैट आगे भी रखूंगा और एक फ्लैट पीछे भी रखूंगा। ओके, क्योंकि बैक साइड पे सारे विलास बने हुए हैं जी, और वो सारा पूरा पीछे तक द्वारका एक्सप्रेस वे दूर से बिल्डिंग्स नजर आती हैं। सर ये आप रियली राइट सर, अगर आप दोनों जगह ले लेंगे तो दोनों में से ज्यादा किस में रहेंगे? मेरे लिए तो आगे भी उतना ही अच्छा है। आप बीच से दोनों को विला फेसिंग जोड़ देंगे? हाँ जी, आप बीच से दोनों को जोड़ देंगे? नहीं नहीं, जोड़ना तो अलाउड नहीं है। अच्छा, लेकिन हाँ डेफिनेटली आई विल कीप टू फ्लैट्स। ओके, अब सर इसमें काफी सारे ऐसे होते हैं फैमिलीज जो चाहते हैं कि उनके ब्रदर सिस्टर या इमीडिएट जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको एक ही फ्लोर में तीन चार घर मिल जाए, तो ये भी पॉसिबल है हमारे अभी आज की डेट में तो पॉसिबल है, बट इन फ्यूचर में भी इन्वेंट्री अगर कम रह जाती है ओके तो अश्योर नहीं। तो अभी अगर एक फ्लोर में एक ही फैमिली को अगर लेना, हमारे पास चार यूनिट्स हैं पर फ्लोर जी, तो अभी तो हमारे पास ऐसे फ्लोर्स अवेलेबल हैं जी। ओके ठीक है सर, अब हम ऊपर चलते हैं और चल के सैंपल फ्लैट देखते हैं। सर यहाँ पे जो ग्रीन एरिया दिख रहा है ये क्या ऐसे ही ग्रीन एरिया होगा? नहीं, ये अब हमने रिवाइज कर दिया है इसको, जो आपको मॉडल में दिख रहा है उससे भी ज्यादा बेटर बनेगा। मतलब जो मॉडल हमने अभी देखा उससे बेटर बनाएंगे इसको? हाँ जी हाँ जी, अब रिवाइज कर दिया है मॉडल, तो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तब बना था जी, अब हमने इसको रिवाइज कर दिया है एंड और इम्प्रूव कर दिया इससे भी। ओके, ये इनका एलिवेशन, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये स्टिल्ट एरिया है, यहाँ से भी एक एंट्री होगी यहाँ से अंदर जाने के लिए, और इसके बाद सामने की तरफ जो ड्रॉप ऑफ जोन है वहाँ से भी एंट्री होगी। ये जो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन सा अभी दिख रहा है जहाँ पे सारा काम चल रहा है ये पूरा ग्रीन एरिया होगा, मतलब इस जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से लेकर आगे तक ये पूरा जो है एरिया वो ग्रीन एरिया होगा। ये इनका स्टिल्ट एरिया, जो वैनिटी के जो बॉक्सेस हैं वो आए हुए हैं यहाँ पे, तो उनकी फिटिंग्स चल रही है सारे अपार्टमेंट्स में, तो ये वैनिटी बॉक्सेस लगे हुए हैं यहाँ पे। अब मैं आपको इसके ड्रॉप ऑफ जोन में ले चलता हूँ और वहाँ से आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। जिस सेक्शन में मैं खड़ा हूँ ये इनका ड्रॉप ऑफ जोन है, आपने विला फेसिंग वाले जो अपार्टमेंट्स देखे थे ये उसका ड्रॉप ऑफ जोन है, और ये आप देख सकते हैं कि इसका जो लेंथ है वो काफ़ी लंबा है। यहाँ पे ये जो एरिया है ये सेक्शन, ये डेडिकेटेड कार पार्किंग्स होंगी यहाँ पे, जो ओपन कार पार्किंग्स होंगी। और जैसे आपने पीछे की तरफ देखा जो स्टिल्ट एरिया था, वैसे ही यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये इसका स्टिल्ट एरिया है जहाँ पे डबल हाइटेड स्टिल्ट है, आप कार पार्क कर सकते हैं, और ये आपका मेन एंट्रेंस है जहाँ से आप एंटर करेंगे। तो ये ड्रॉप ऑफ जोन है, यहाँ पे ड्रॉप ऑफ होगा आपका और उसके बाद यहाँ से हम एंटर करेंगे अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए। तो मैं इसके अंदर आपको लेकर चलता हूँ और फिर हम अपार्टमेंट में चलते हैं। और यहाँ पे भी आप देखिए तो आपको सनलाइट प्रॉपर है, देखिए तो थ्रू आउट द डे आपको दोनों ही तरफ सनलाइट मिलती है। सो अभी आपको मैंने फ्रंट के साइड का दिखाया था, अब ये विला फेसिंग है, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इस समय 2:30 बज रहे हैं दोपहर के, विंटर्स है, और यहाँ पे आप देखिए तो सनलाइट जो है वो एम्पल सनलाइट है, तो दोनों ही तरफ आपको सनलाइट मिलते हैं। तो इस जगह से आप जब अंदर जाते हैं तो फर्स्ट सिक्योरिटी चेक तो आपका मेन एंट्रेंस में होता है, उसके बाद सेकंड जो सिक्योरिटी है वो आपका एंट्रेंस लॉबी में होगा। यहाँ पे ये मेन रिसेप्शन है, यहाँ पे देखिए यहाँ आपके गेस्ट जो हैं वो आके सबसे पहले यहाँ वेट कर सकते हैं अगर
सर ये तो बहुत अच्छा फीचर है कि अगर किसी को अपने घर में नहीं बुलाना है गेस्ट को तो आप मुझे इसको यहाँ मिल सकते हैं जी, या सेकेंडली उसे क्लब में जाकर मिल सकते हैं। राइट, दोनों ऑप्शन आस्क हिम कि भाई आप क्लब यहाँ वेट कीजिए, वो नीचे आएगा एंड यू कैन मीट हिम इन द क्लब। जी सर, ये जो एरिया है ये क्या सेंट्रली, ये सेंट्रली एयर कंडीशन रहेगा हर वक्त। ओके अच्छा, मैं देख सकता हूँ ये। हाँ जी, तो इसका कोई अलग से चार्ज होगा? नहीं, कोई चार्ज नहीं, इट विल बी पार्ट ऑफ कॉमन मेंटेनेंस ओनली। ऑलराइट, दिस इज कॉमन फॉर ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ ईच ब्लॉक। ओके, ऐसी ऐसी हमारे तीनों ब्लॉक में सेपरेट एंट्रेंस लॉबीज है। ऑल राइट, तो हर तीनों ब्लॉक के लिए अलग अलग ऐसे अलग अलग लॉबीज होंगी। ओके, ईच लॉबी विल बी डेडिकेटेड टू वन ब्लॉक ओनली। ऑल राइट, एंड देन यहाँ से हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक भी होगा? यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी चेक होगा। ओके, यहाँ से कॉलिंग होगी फ्लैट में जी, ओनली इफ द पर्सन सेज यस देन ही विल बी अलाउड इन टू द लिफ्ट लॉबी। ओके, एंड देन ये हमारा लिफ्ट लॉबी आ गया। इसमें हर अपार्टमेंट में कितने लिफ्ट होंगे हमारे पास? दो लिफ्ट हैं, दोनों हाई स्पीड, 15 पैसेंजर मित्सुबिशी के। 15 पैसेंजर? हाँ जी, मतलब ये जो स्ट्रेचर वाले लिफ्ट हैं वो हैं? दोनों स्ट्रेचर लिफ्ट हैं और इसमें दोनों में आप पूरा अपना घर का सामान इंक्लूडिंग ऑल द फर्नीचर जी यू कैन वर्टिकली कैरी अप एंड डाउन। सर ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि नॉर्मली होता है कि एक सर्विस लिफ्ट होता है बड़ा वाला और एक छोटी लिफ्ट होती है। हाँ जी, आपने दोनों ही सर्विस लिफ्ट्स आर 15 पैसेंजर्स एंड मित्सुबिशी इज अ ब्रांड इन इटसेल्फ। राइट राइट, सो एक लिफ्ट यहाँ पे है और दूसरा लिफ्ट जो है ये स्टेयरकेस से नीचे जाने का पार्किंग में, एंड दिस इज द सेकंड लिफ्ट। और इसी जगह से अगर आप आगे जाते हैं तो आगे आपको वो पूरा गार्डन एरिया मिलेगा, पूरा पहले इंडोर गेम्स है यहाँ इस टिल्ट के अंदर। अच्छा, एंड उसके बाद यू गो इनटू द ग्रीन एरिया। ओके, मींस क्लब हाउस है उस तरफ। हाँ, और यहाँ पे जो है ये सारा विल बी यूज्ड फॉर इंडोर गेम्स फॉर द किड्स। तो आपने बताया था सर स्टिल्ट में तो पार्किंग भी होगी? पार्किंग उस तरफ वाले स्टिल्ट। अच्छा, जो रोड जहाँ ड्रॉप ऑफ वाला रोड है जी, उस तरफ सारी पार्किंग और इस तरफ सिर्फ बच्चों के लिए। ग्रीन फेसिंग सारा स्टिल्ट है जी, दैट विल बी ऑल किड्स प्ले एरिया एंड द क्लब। ओके, एंड इसमें दो स्टेयर केसेस हैं, एक स्टेयर केसेस जी एंड दिस इज द मेन स्टेयर केस। दिस इज द मेन स्टेयर केस राइट, और जो फायर दिस इज द फायर एग्जिट स्टेयर केस। ओके, एंड ये पूरे बेसमेंट तक जाती है? ये पूरा दोनों स्टेयर केस बेसमेंट से पूरी छत तक जाती है। ओके सर, इसमें आपने जो ये यूज किया है ये क्या क्या क्वालिटी है? ये टाइल्स हैं या मार्बल्स हैं, क्या है? नहीं नहीं, ये ट्रेवेंटाइन फिनिश टाइल्स हैं जी। ये आपने चारों तरफ से कवर करके रखा है। कौन से फ्लोर में चल रहे हैं? थर्ड फ्लोर पर जाएंगे जी। लाइट यही रहेगी? नहीं नहीं, अभी तो और बढ़ जाएगी। अच्छा, अभी क्योंकि थोड़ा सा डिम लग रहा था मुझे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये लिफ्ट है ऑलरेडी फंक्शनल, थर्ड फ्लोर में आ गए। जब हम एक फ्लोर में आते हैं तो एक फ्लोर में आपने बताया सर कि चार अपार्टमेंट्स हैं? चार अपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। ओके, सो नंबर 1, 2, 3 एंड देन 3 एंड 4। सर हम अब यहाँ पे रॉ फ्लैट देखने वाले हैं या सैंपल फ्लैट देखने वाले हैं? मैंने नॉर्मली ये देखा है कि रॉ फ्लैट में ज्यादा इंटरेस्ट होगा मेरा। मैंने ये देखा, रॉ फ्लैट भी देख सकते हैं यहाँ पर और सैंपल फ्लैट भी देख, दोनों ही देख सकते हैं? दोनों ही देख सकते हैं। हम दोनों ही देखेंगे सर यहाँ पे। हाँ जी, आप पहले कौन सा दिखाना चाहेंगे सर? पहले मैं रॉ फ्लैट दिखाना चाहूंगा जी। किस वाले में चले सर दोनों? किसी भी फ्लैट में चले, इसमें चलते हैं, इसी में चलते हैं जी। तो ये इसका एंट्रेंस आप अगर देखेंगे, हमने ये बहुत ही सुंदर दरवाजे बनाए हैं जी सर, हमारी सारी इंजीनियर गुड हुए हैं जी, विच आर वेरी एक्सपेंसिव, इसमें कभी आपका दीमक नहीं लगेगी। ओके, कभी खराब नहीं होगी। सुपर सर, इसका लाइफ क्या होता होगा सर? नेक्स्ट 50 ईयर्स इसको कुछ नहीं। 50 ईयर्स 100 ईयर्स यस। वाकई में काफी खूबसूरत है आपका डोर। हाँ जी। इवन एक चीज और मैंने ऑब्जर्व किया कि नॉर्मली जो डोर होते हैं, हाँ जी, वो डोर ऐसे लगा देते हैं, ऐसा कोई फ्रेम नहीं होता है। यहाँ पे आपने वुडन के मोटे से फ्रेम भी दिया है, 13 इंच चौड़ा फ्रेम हमने यूज। इसका कोई स्पेशल रीजन था ऐसा करने का? नहीं नहीं, जस्ट टू गिव अ ग्रैंड लुक। ओके, एंड ये किस साइज का अपार्टमेंट है सर जिसमें हम हैं? दिस इज 1900 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट। 1900 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट, एंड यू कैन सी द हाइट ऑफ द फ्लोर। सर यहाँ पे जो सीलिंग हाइट है वो कितनी है? इट इज मोर देन 10 फीट। मोर देन 10 फीट? हाँ जी, मतलब अगर इसमें कोई फॉल सीलिंग भी लगा लेगा तब भी नॉर्मल आपको बहुत अच्छी हाइट बचती है आपके पास जी। Choices to do fall ceiling as per your
चॉइस राइट। एंड ये विला फिशिंग वाले अपार्टमेंट्स हैं, ये विला फिशिंग अपार्टमेंट्स हैं। इसमें जो सर ये टाइल्स भी जो आपने लगाया है ये नॉर्मल टाइल्स से काफी बड़े हैं। हाँ जी, एंड आईबीस की इटालियन फिनिश टाइल्स है। ओके, वेरी नाइस सर। और ये जो डाइनिंग कम लिविंग एरिया है, हाँ जी, इसका क्या साइज होगा सर? ये अप्रोक्सीमेटली ऐसे 21 फुट है और ऐसे पौने 12 फुट है। मतलब इस दीवार से इस दीवार तक पौने 12 फुट और वहां से लेकर यहां तक, हाँ, ये 21 फिट है। और ये वाला साइज क्या होगा सर? ऐसे हमारा ये 22 फिट है। 22 फिट, हाँ, और ऐसे 11 फिट है। ओके, मीन्स उस वॉल से जहाँ पे सर खड़े हैं इसके पीछे तक ये 22 फीट है, हाँ जी, और इस वॉल से लेकर इस वॉल तक 11 फीट है। ओके, वो अभी सेंट्रल फ्लैट में चलेंगे तो फर्नीचर के साथ जी जी तो आपको पता चलेगा कि हाउ स्पेशियस इज द फ्लैट। जी, दिस इज द फर्स्ट रूम। ओके, वी नॉर्मली कॉल इट अ गेस्ट रूम। ऑलराइट सर, मैं सबसे पहले जब मैं रूम में जाता हूं तो यही देखता हूं कि स्विचेस सारे वॉल में है या नहीं है। हाँ जी, हाँ, तो मैं एम्पल स्विचेस जी, सो दैट कहीं भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इस पूरे वॉल में यहां पे भी स्विचेस हैं, वहां पे भी स्विचेस हैं, सेंटर में भी हैं स्विचेस, इस वॉल पे भी स्विचेस हैं, एंड यहां पे भी स्विचेस हैं। इसमें हमने एक यूएसपी और है जी, हमारा जी, कि जितनी भी हमने बेड पोजीशंस रखी हैं, राइट, ऑल द फ्लैट्स जी, दे आर द लेग्स आर टुवर्ड्स द नॉर्थ। ओके, इट इज एज पर वास्तु। सुपर, ऑल आवर बेड्स आर प्लेस्ड एज पर वास्तु इन ऑल द फ्लैट्स, सारे फ्लैट्स में। हां जी, किसी भी ओरिएंटेशन का फ्लैट ले लें जी, ऑल द बेड पोजीशंस एज पर आर एज पर वास्तु, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेस टाइम। एब्सोल्युटली राइट सर, घर में पीस रहे, सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, उसके लिए वास्तु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, एंड हमने सारा इसमें जो जितना पॉसिबल था उसको वास्तु कंप्लायंट फ्लैट्स बनाए। सर आप ऑलरेडी आर्किटेक्ट हैं, मुझे ऐसा लगता है अभी जब हम सैंपल फ्लैट देखने जाएंगे तो अपनी इन सब छोटी छोटी चीजों का बड़े ध्यान से ध्यान रखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें हर चीज का माइन्यूटली ध्यान रखा है जी। एंड देन एंड सबसे अच्छी चीज मुझे ये लग रही है सर कि यहाँ पे सनलाइट एम्पल है। हर फ्लैट में आपको, आप किसी भी फ्लैट में चले जाइए जी, एम्पल सनलाइट है ड्यूरिंग द डे, यू डोंट नीड टू स्विच इवन अ सिंगल। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। अब हम वॉशरूम की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम सैंपल फ्लैट में चलेंगे, ये तो बस आपको एक लुक एंड फील दे रहा हूँ। आपने यहाँ पे वॉशरूम में भी टाइल्स बहुत अलग तरीके के यूज किए। हाँ जी, हाँ जी सर, ये वॉशरूम ऐसे ही मिलेगा इस, क्योंकि इसमें सिंक नहीं दिख रहा है मुझे लगा हुआ। नहीं, अभी तो सब लगेगा, अभी तो बेयर है। हाँ जी, वो तो शो फ्लैट में आप देखेंगे, सैंपल फ्लैट में सब कुछ है जी। मेरे ख्याल से ये तो हम समझ लिया हमने कि एरी भी है एंड लाइट है सारे प्रॉपर रूम में। मैं बाकी रूम्स भी आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, फिर हम सैंपल फ्लैट में चलेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी सारी जगह स्विचेस हैं, लाइट कहीं नहीं जलाया हुआ है हमने, ये नेचुरल लाइट है जो आप देख रहे हैं। एंड ये वॉशरूम इसका, ये वॉकिंग क्लोजेट है, ये ड्रेस रूम है, जी वॉशरूम है जी जी। एंड वी हैव लार्ज बालकनीज विद ऑल द फ्लैट्स। सर अभी हम जब जाएंगे सैंपल वाले फ्लैट में, नहीं, बालकनीज इसमें बेटर लगेंगी। अच्छा सर, बालकनी का साइज क्या है? ये 6 फुट बाय 18 फुट की बालकनी है। 6 फिट बाय 18 फिट की बालकनी, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। देखिए इस एंड पे मैं खड़ा हुआ हूँ और ये साइज देखिए बालकनी की। सर सबसे अच्छी चीज़ है कि दिन में एक तरफ पूरा लाइट होता है, सनलाइट, एंड इस समय यहाँ पे भी सनलाइट है। एंड ये विला वाली कम्युनिटी है, सारे आपको यहाँ पे विलाज दिखेंगे। एंड जैसे जैसे मैं टॉप फ्लोर्स पे जाऊँगा वहाँ से आपको द्वारका एक्सप्रेस वे दिखेगा, वो मैं आपको ऊपर से दिखाऊँगा। सर इसमें एसी फिट करके मिल रहा है क्या? नहीं, एसी का हमने प्रोविजन कर दिया है, स्प्लिट एसी का जी, हमने सारे कॉपर पाइप्स, वायरिंग और ड्रेन पाइप्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए। ओके, आपको सिर्फ एसी टांगना है। अच्छा सर, इसमें अगर मान लीजिए कि कल को कोई लीकेज आ जाता है, जैसे आपने ये बना दिया, आपने सब कुछ सारा दो तीन बार टेस्ट किया है इसको। ओके, वी एंश्योर कि लीकेज का कहीं प्रॉब्लम नहीं है, हो ही नहीं सकता आपके हिसाब से। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। इसमें जो स्विचेस हमने यूज किए हैं या हमने वायर्स जो यूज किए हैं वो किस क्वालिटी के हैं? सारे ISI स्विचेस हैं, सारे ISI वायर्स हैं। ओके, हमने जो टॉयलेट्स में जितने भी फिक्चर्स यूज किए हैं सब ग्रोहे एंड जैगुआर के फिक्चर्स हैं हमारे। ओके, एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड या ड्यूरागड की WC's वॉश मशीन है। ओके, एंड जो आपने लकड़ी यूज किया था आपने बताया था इंजीनियर्ड वुड है सारी। इट इज नॉट एक्चुअली वुड, इट इज मेड आउट ऑफ प्लाई। ओके, एंड इट हैज एम्पल लाइफ।
सेम जो हमने बाहर वाले डोर में देखा था वही डोर हमने सब जगह यूज किया. ओके अगेन सी दिस इज अ कैट शोरूम. वेरी नाइस एंड अगेन ह्यूज बैल्कनी विद इट. जी अगेन 6 feet by 13 feet. ओके एंड एक बालकनी मुझे ये किचन की बालकनी लग रही है. हाँ जी दैट इज अ सर्विस बालकनी. ऑल राइट सर तो टोटल बालकनीज कितनी है आपके अपार्टमेंट में? वी हैव बालकनी विद ईच एंड एवरी रूम. ओके इंक्लूडिंग सेपरेट बालकनीज. सेपरेट बालकनी तो प्राइवेसी भी मेंटेन रहता है. हाँ जी हाँ जी जी. एंड सी द व्यू फ्रॉम हियर यू कैन डायरेक्टली सी पार्ट ऑफ आवर टेंपरेरी ऑफिस एंड राइट दैट द सेल ऑफिस एंड ये वाला जो है हाँ ये आप ईडब्ल्यूएस का बना रहे हैं. आइए सर किचन में चलते हैं. So, ये वॉशरूम ये कॉमन वॉशरूम है ये अटैच्ड है इस कमरे के साथ एंड बाहर से कॉमन वॉशरूम है. ओके ये हमने शुरू कब किया था ये वाला प्रोजेक्ट? ये 3 साल पहले शुरू किया था. ओके और इसका पोजीशन हम कब देने वाले हैं? पोजीशन हम नेक्स्ट ईयर एंड तक डेफिनेटली विल गिव द पोजीशन. ओके नेक्स्ट ईयर मतलब दिसंबर 2022 ऑलरेडी कंप्लीट थर्ड टावर अभी फिनिशिंग में. ओके इतने सारे सर बैन होते हैं पॉल्यूशन की वजह से कंस्ट्रक्शन बैन हो जाता है तो क्या वो तो अपने हाथ में नहीं है. प्रोजेक्ट गॉट अ बिट डिलेड बिकॉज ऑफ कोरोना जी एंड दिस एनजीटी ऑर्डर्स जी बट फिर भी यू आर कॉन्फिडेंट विद इन द टाइम. ओके ये रेरा अप्रूव्ड है. दिस इज रेरा. ऑल राइट एंड दिस इज योर किचन. या सर किचन में यहाँ पे कोई शिफ्ट करने वाला है या हम बाय डिफॉल्ट ये सब कुछ करके दे रहे हैं? नहीं ये सब हम मॉड्यूलर किचन पूरा बना कर दे रहे हैं. ओके and ये सर्विस बालकनी है. सर्विस बालकनी where we have put washing machine के लिए we have put electrical points water points. okay हाँ I can see these points. yeah and किचन में भी मैं अगर देखूँ तो हर वॉल में मुझे स्विचेस दिख रहे हैं. स्विचेस तो बहुत सारे हैं and even the tiles and all are right. very nicely. अगर किसी को सर फिर भी जैसे आप ये सब करके दे रहे हैं बट किसी को फिर भी अपने टेस्ट के हिसाब से करना हो ये सब That is his choice. वो कर सकते हैं. ओके एक बालकनी हमने नहीं देखी सर वो सामने वाली. दिस इज द लिविंग बालकनी. सब बालकनीज इतनी स्पेशियस है कि मॉर्निंग यू कैन पुट अ टेबल इन 2-3 chairs and you can have a nice cup of morning tea. Right, sir. In these balconies and such a nice view from outside. Right. So, यहाँ एक और balcony है जो मुझे दिख रहा है. This is the guest room balcony. अच्छा, guest room के साथ भी balcony. तो फिर and all the balcony railings are in stainless steel with toughened glass. ओके सो विच मीन्स कि हमारे पास लिविंग रूम के साथ बालकनी हो गई तीनों रूम के साथ बालकनी हो गई और किचन के साथ भी 5 balconies. 3 BHK के रूम में लार्ज बालकनी. यस ऑल द बालकनीज आर वेरी लार्ज इन साइज. यस यस एंड इसमें जो ग्लासेस हमने यूज किए हैं सर दीज आर टफन ग्लासेस. दीज आर ऑल टफन ग्लासेस. तो यहां से बाहर का शोर बिल्कुल भी अंदर नहीं आएगा. बिल्कुल नहीं आएगा अंदर. जी वेरी नाइस सर. मतलब ये पॉसिबल कैसे हुआ मैं ये सोच रहा हूं. जर्मन प्रोफाइल्स इन ऑल द यूपीवीसी. ओके इसमें सर अगर किसी को कल को मॉस्किटो मेश लगाना हो वी हैव प्रोविजन. ये पहले से प्रोविजन है ऑलरेडी. वी हैव एन एडिशनल. सर आपने अपने आर्किटेक्ट के पूरे एक्सपीरियंस को यूज किया है आई मस्ट से. थैंक यू जी. अब हम सैंपल फ्लैट की तरफ चल रहे हैं. नाउ सी हाउ ब्यूटीफुली वी हैव डन द सीलिंग ऑफ आवर लॉबीज. ये सिर्फ यहां पे सैंपल फ्लैट आपने बनाया है? दीज लॉबीज एग्जिस्ट इन ऑल द टावर्स इन ऑन ऑल द फ्लोर्स. Same as exactly a... same. Very nice, sir. Especially you get a very good feeling if yes, you yes. see it in the evening. So, काफी premium look देता है ये. हाँ जी हाँ जी. आइए please come. जी. ये door का width कितना है sir? ये 3.5 feet width का door है. और height? Height 8 feet है सारे. All the doors are 8 feet high. Very nice, sir. Superb. पहले एक राउंड में आपको घूमकर दिखा देता हूं. बहुत ही औसम है. जी सर. नाउ वी सी वी हैव डन द कोव सीलिंग ऑल अराउंड एंड स्टिल द हाइट इज राइट. मतलब बड़ा ग्रैंड लुक आ रहा है. हाँ जी हाँ जी.
सो ये हमारा लिविंग एरिया हो गया, लिविंग एरिया। इसका साइज आपने बताया था 21 feet by 11.9 inches। सो उस वॉल से जहां पे बालकनी है वहां से लेकर एंड फ्रॉम दिस टीवी यूनिट वॉल इस वॉल तक, हाँ जी, वी हैव 21 feet एंड इस वॉल से लेकर, हाँ जी, इस वॉल तक 11.9 feet, हाँ जी, वेरी नाइस। एंड यहाँ पे इसकी बात करें अगर तो वहां पे जो वॉल है, हाँ जी, वहां से लेकर टू दिस वॉल इट इज 22 feet, यहां तक 22 feet है एंड दिस विड्थ इज 11 feet। सर इतने मेजरमेंट्स आपको याद कैसे रह जाते हैं? बीइंग एन आर्किटेक्ट, जब व्हेन यू डिजाइन योरसेल्फ यू रिमेंबर ईच एंड एवरी डिटेल। राइट सर, बहुत बहुत ही खूबसूरत है। तो ये हमारा लिविंग एरिया हो गया। गिवन एंटायर एम्फेसिस ऑन द डिटेलिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, कि बाद में प्रैक्टिकली व्हेन यू लिव इन दिस फ्लैट जी यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम्स। राइट, एंड मैं एक बार ये डोर को भी क्लोज कर देता हूँ। मैंने डोर क्लोज कर दिया, मैं ये देखना चाहता हूँ कि बाहर से कोई आवाज आ रही है या नहीं आ रही है अंदर। देखिए बाहर इतना शोर है, फिर भी पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस है बिल्कुल जी। सबसे पहले किचन देखते हैं जी। सर किचन का साइज क्या है हमारा? किचन का साइज 9 by 11 feet है। 9 feet by 11 feet, हाँ जी, ओके। सो इस किचन में जितना कुछ हमें दिख रहा है, हाँ जी, ये हमने सिर्फ सैंपल के लिए बना के ऐसा रखा है? नहीं, इसमें सिर्फ हम आपको माइक्रोवेव, फ्रिज और ये नहीं दे रहे हैं, अपन चिमनी दे रहे हैं, बाकी किचन एज इट इज आपको मिलेगी। ओके, मींस ये गैस स्टोव नहीं होगा, माइक्रोवेव नहीं होगा, और ये माइक्रोवेव नहीं होगा और ये फ्रिज नहीं है। इसके अलावा जितना कुछ भी आप देख रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं, ये सारा कुछ आपको बना हुआ आपको किचन मिलेगी। चिमनी आपको प्री इंस्टॉल मिलेगी जी, एलिका कंपनी की चिमनी लगाई है हमने। And outside you have this space for your washing machine. आपने वॉशिंग मशीन रखा हुआ भी है शायद? हाँ जी, हाँ जी, मैं इसका दिखाने के लिए, हाँ जी, राइट। सो यहाँ पे स्विचेस दिए हुए वॉशिंग मशीन के लिए, वाटर कनेक्शन के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, देन यू हैव गीजर का ऑप्शन यहाँ पे, हाँ जी, फॉर द किचन। ओके, सो किचन का गीजर भी बाहर? हाँ जी, हाँ जी, अंदर अच्छा नहीं लगता है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जी। एंड वॉशिंग मशीन रखने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो किचन की जो बालकनी है, बहुत जगह है इसमें, बहुत जगह है इसमें। अभी आप ऐसे शायद 4 और वॉशिंग मशीन रख सकते हैं इतनी जगह। एंड किचन का साइज भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, ये जो लाइट्स लगाए हुए सर, ये सब कुछ ऐसा मिलेगा? सब कुछ एज इट इज मिलेगा। ये लाइट्स भी ऐसे ही मिलेंगे लगे हुए? नहीं, फॉल सीलिंग नहीं मिलेगी, फॉल सीलिंग नहीं मिलेगी, बस सिर्फ इसमें की है सैंपल फ्लैट। ओके ओके, बाकी जो बिलो द काउंटर लाइट्स है, ये टॉप यूनिट लाइट्स है, ये सब आपको इंस्टॉल मिलेंगी। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। एंड मैंने ये भी देखा है सर कि आपने चिमनी भी लगाया है और इसको भी आपने टाइल्स लगाए हैं वॉल में, सो दैट इजिली क्लीन हो सके। बिल्कुल 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 जी। किचन एरिया से हम डाइनिंग एरिया में आ गए एंड डाइनिंग एरिया से वी आर गोइंग टूवर्ड्स द गेस्ट बेडरूम। सो दिस इज द गेस्ट बेडरूम। सर आपने हर रूम को काफी अच्छे से सजा के रखा हुआ है कि अंदर आते ही पसंद आ जाए। इवन विद द कंप्लीट फर्नीचर विद वार्डरोब्स जी, यू हैव एम्पल स्पेस इन दिस रूम। राइट, यहाँ पे वार्डरोब बनाया हुआ है एंड देन दिस इज द बेड विद द स्लाइडिंग डोर। ओके, स्पेशियस है काफी, अगर मैं हाथ अपना अंदर डालू तो। फुल साइज वार्डरोब, यस यस। सो इसमें ये वार्डरोब लगा हुआ मिलेगा या रॉ रूम? नहीं, ये रॉ मिलेगा, जो आपने रॉ फ्लैट देखा था जी। दीज थिंग्स आर ओनली फॉर द सैंपल। ओके, बट सिर्फ किचन में आपको वो वुडवर्क वाला मिलेगा? किचन में कंप्लीट वुडवर्क मिलेगा, टॉयलेट्स में सारी वैनिटीज कंप्लीट मिलेगी। ओके, तो ऑल टॉयलेट्स विल हैव कंप्लीट वैनिटी। ओके, एंड सर ये जो गेस्ट बेडरूम है इसका साइज क्या है? इसका साइज 10.5 feet by 14 feet है। 10.5 feet by 14 feet गेस्ट बेडरूम का साइज? हाँ जी। मतलब सर मैंने तो देखा है कि गेस्ट बेडरूम सबसे छोटा होता है, सर्विंग रूम से थोड़ा बड़ा होता है। नहीं नहीं, साइजेस सारे अच्छे हैं इसमें जी। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेड रखने के बाद भी चेयर्स रखने के लिए भी जगह है वहां पे। एंड यहाँ ऑलरेडी अलमीरा बनी हुई है एंड यू हैव फुल साइज टीवी यूनिट, यस, एंड अ ड्रेसर आल्सो, राइट, प्लस अ बालकनी वेयर यू कैन। ओके, ये गेस्ट बेडरूम का बालकनी है जो हमने लास्ट टाइम देखा है। नाउ यू कैन सी द एंटायर एक्सपेंस कि कहां तक हमारा ग्रीन आना है। वो जो एंड पॉइंट दिख रहा है, हाँ, वहां तक ग्रीन एरिया बनेगा पूरा। आई थिंक स्विमिंग पूल उसी एरिया में होगा। उसी एरिया में स्विमिंग पूल है ये, यहां से यू कैन टेक अ जी राइट फ्रॉम हियर टिल देयर इट विल बी ऑल ग्रीन। राइट, सो स्टैंडिंग इन दिस बालकनी विल बी अ
रियली नाइस राइट सर आई थिंक मिड आफ्टरनून तक यू गेट कंप्लीट सन यस एंड ये जो बालकनी है ये लिविंग रूम की बालकनी है देखिए आप ऐसे इसमें छोटा सा मिनी गार्डन बना सकते हैं छोटा सा नहीं खैर बड़ा ही से गार्डन बना सकते हैं इस बालकनी की साइज क्या है सर ये ऑल द बालकनीज आर 6 फीट वाइड ओके एंड दिस इज 6 बाय 12 फीट नॉर्मली मैंने जो देखा है बाकी डेवलपर्स वो 5.5 फीट का साइज रखते हैं 5 फुट रखते हैं जी सो 3 BHK के अपार्टमेंट के साथ 5 balconies मिलती हैं 5 balconies हैं सुपर्ब सर एंड ये वॉशरूम का एरिया वॉशरूम में अगर मैं देखूं तो सेम ये सारा कुछ सेम जो लगा हुआ है वो मिलेगा हमें बस एक्सेप्ट फॉर द मिरर अच्छा ये मिरर नहीं मिलेगा हाँ जी सर आपने इतना खूबसूरत बनाया मिरर भी देते सो बहुत अच्छे से बनाया कुछ लोग अपने हिसाब से लगाते हैं ना जी यू हैव अ नाइस निश इन दिस बेडरूम इन दिस बाथरूम ऑल द कंसील्ड सिस्टम्स आर देयर अगर इसमें कल को प्रॉब्लम आ जाए कुछ तो वो खोलेंगे कैसे मतलब इसको बनाएंगे कैसे तोड़ना पड़ेगा टाइल्स नहीं नहीं वी हैव ऑल द सिस्टम्स देयर आर शार्ट्स ऑन द रियर साइड ओके विद ओपनेबल कवर्स इन ईच ऑफ द शार्ट्स ओके सो नथिंग हैज टू बी ब्रोकन डाउन ऑलराइट एंड देन आपने वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दिया हुआ है छोटा सा हाँ जी विंडो भी है यू हैव अ स्मॉल एग्जॉस्ट फैन आल्सो एंड सर अगर मान लेते हैं कि ये जो आपने नल लगाए हैं शावर एरिया दिया है ये सारे जैगवार के नल हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड की WC है अमेरिकन स्टैंडर्ड का वॉश बेसिन है इसकी अ नाइस वैनिटी यूनिट विद सर ये वही वैनिटी यूनिट है जो नीचे हमने देखा हाँ जी, हाँ जी जो बना रहे थे ओके दिस विल बी देयर इन ऑल द बाथरूम एंड सिंक विंक ये सब कुछ सेम कुछ एज इट इज मिलेगा एक चीज मैंने और नोटिस किया है सर बहुत सारी जगह कि ये जो टैप का साइज होता है ना वो यहाँ पे होता है जो आप हाथ धोते हैं तो आधा पानी तो बाहर निकलता है दिस इज कवरिंग द मिडिल ऑफ द सिंक यस एंड स्विचेस अगर स्विचेस यस स्विचेस यहाँ पे भी इस वॉल में देन स्विचेस इसमें अगर तो आपने यहाँ पे तो कोई स्विच दिया नहीं है तो अगर मुझे गीजर लगाना पड़े तो मैं गीजर का आउटसाइड अगेन इन द बालकनी ओके सो उसका प्रोविजन स्विच इज हियर गीजर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आउटसाइड मतलब हमारे वॉशरूम में गीजर दिखेगा वॉशरूम में नहीं रखे हैं वेरी नाइस एंड ये रूम का लुक देखिए आप और ये वॉशरूम सर वॉशरूम में हमने टाइल्स जो है ये कौन सा टाइल यूज किया है दीज आर अगेन साइंटिफिक आर टाइल्स ओके दीज आर एक्सपोर्ट ब्रांड टाइल्स इन लार्ज साइजेस 2 feet by 4 feet टाइल्स वी हैव यूज्ड इन दिस सर इसमें जैसे मैंने घर में भी देखा जो टाइल्स लगे हुए हैं और यहाँ वॉशरूम में भी टाइल्स लगाए आप में सबका साइज जो है बहुत बड़ा रखा है इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है नहीं दे आर इजी टू मेंटेन एंड इजी टू क्लीन एंड दे गिव अ वेरी गुड लुक आप इसका लुक देखिए ना कितना सुंदर नजर आ रहा है बहुत खूबसूरत है सर कल को मान लेते हैं कि कुछ वेयर एंड टेयर हो गया हाँ जी। और बाथरूम की ये टाइल्स टूट गई हाँ जी तो जो यहाँ के रेसिडेंट होंगे अवेलेबिलिटी है इन टाइल्स की अच्छा इजीली मिल जाएगा इजीली अवेलेबल है ये टाइल्स ओके सो देयर इज नो प्रॉब्लम अगर बाद में भी कोई वैसे तो खुदा ना खास्ता जरूरत नहीं पड़ेगी जी नेक्स्ट 20 years भी जी बट अगर कोई बाई चांस फिर भी कोई कुछ करवाना चाहता है तो अवेलेबिलिटी इज ऑलवेज देयर ओके एंड सर हम कोशिश करते हैं कि कुछ पीसेस यहाँ छोड़कर जाएंगे फॉर द रेजिडेंट्स जी कभी जरूरत पड़ी तो सेम टाइल्स विल बी अवेलेबल ओके सो इतना सैंपल होगा यहाँ पे पड़ा हुआ साइड पे हाँ जी हाँ जी एंड सर अगर मान लीजिए कि कल को कोई नल खराब हो गया या WC खराब हो गया कंपनीज हैव वारंटीज फॉर 7 to 10 years तो यू कैन जस्ट गिव अ कॉल एंड दे कम एंड ऑल राइट अब सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली NCR सेस्मिक जोन 4 में पड़ता है सारा दिल्ली NCR एंटायरली दिस इज सिस्मिक प्रूफ स्ट्रक्चर ओके इसके लिए तो मैं खुद आर्किटेक्ट होते हुए वी टेक अटमोस्ट केयर जी कि स्ट्रक्चरली द बिल्डिंग हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग ओके सो इट हैज बीन डिजाइंड एज पर सिस्मिक नॉर्म्स जी तो इसका कोई सर्टिफिकेट होता है मतलब एज अ बायर मान लीजिए मैं आऊं लेने के लिए हाँ जी तो आपने तो बोल दिया कि ये सेस्मिक जोन 4 कंप्लायंट है एज अ बायर मुझे क्या आके देखना चाहिए स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स ओके जो भी स्ट्रक्चर बनता है दे आर डिजाइन्ड बाय थरो प्रोफेशनल्स जी एंड दे टेक केयर ऑफ ऑल द सीस्मिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द बिल्डिंग ऑलराइट सर ठीक है ये हमने गेस्ट रूम देख लिया अब हम कौन से रूम में चलेंगे सर वी विल गो टू द किड्स रूम नाउ किड्स रूम ओके सो गेस्ट रूम से जब आप बाहर आते हैं तो फिर से ये डाइनिंग एरिया आ गया लिविंग एरिया वहां पे एंड दिस इज किचन एंड नाउ थ्रू दिस पैसेज ओके ये पैसेज है एंड यहां से दिस इज अ पाउडर टॉयलेट आल्सो स्टार्टिंग हियर एंड दिस टॉयलेट इज अटैच्ड विद द किड्स रूम आल्सो ओके
सो इसमें भी एक्सेप्ट दिस मिरर या सब कुछ हमें विल बी इवन लाइट्स या ऑल द लाइट्स विल बी देयर ओके लाइट्स एग्जॉस्ट फैंस एवरीथिंग विल बी देयर इसके ऊपर सर फॉल्स सीलिंग है या नहीं ये फॉल्स सीलिंग है फॉल्स सीलिंग ओनली वी आर नॉट प्रोवाइडिंग ओके नहीं ऐसे जो छत है इसका टॉयलेट का उसमें फॉल्स सीलिंग लगा होगा या ये हार्ड टॉप है नहीं नहीं हार्ड टॉप रहेगा ओके फॉल्स सीलिंग पीपल विल गेट डन एज पर देयर चॉइस नहीं जैसे बाकी डेवलपर्स में मैंने देखा है कि वॉशरूम जो है वॉशरूम में नॉर्मली वो पाइपलाइन में कभी कोई लीकेज हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए नहीं नहीं तो हमारे सारे हार्ड टॉप है जी दोनों में से बेटर कौन सा होगा प्रॉपर फॉर द ड्रेनेज And for the waterproofing. Okay. We've used best quality waterproofing. All right. मेरे पिछले 20 साल से किसी प्रोजेक्ट में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है वेरी नाइस सर वेरी नाइस अगर ये फीडबैक लोगों को देखना होगा तो कैसे देख सकते हैं ये फीडबैक ये तो आप बोल रहे हैं सर हर कोई अपनी तारीफ करता है पुराने प्रोजेक्ट्स के references दे सकता हूँ जी यू कैन टॉक टू दोस पीपल हु आर लिविंग इन दोस प्रोजेक्ट्स फॉर द लास्ट 20 इयर्स ओके एंड टेक देयर रिव्यूज ऑल राइट टू नो कि कितने खुश हैं वो लोग जी जी सो इस वॉशरूम का साइज क्या है सर ये 6.5 फुट by 7.5 फुट का वॉशरूम है ओके एंड यहां से एंड नाउ वी मूव इनटू द दिस इज द किड्स रूम ओके किड्स रूम का साइज क्या है सर 11.5 फुट by 12 फुट है मैं एक बार आपको चारों तरफ घूम कर दिखा देता हूँ किड्स रूम सो एक डोर यहां से है एंट्री टू द बाथरूम एंड यहां से हमने एंटर किया एंट्री यस सर आपने साइज कितना बताया किड्स रूम का 12 फीट by 13 फीट 12 फीट by 13 फीट सर ये किसी किसी अपार्टमेंट में तो मास्टर बेडरूम का साइज होता है हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं एक बार आपको चारों तरफ घूमकर दिखा देता हूँ इसमें ऑलरेडी आप यहाँ पे देखेंगे तो वार्डरोब बना हुआ है एलईडी स्क्रीन्स लगे हुए हैं देन बेड लगी हुई है बच्चों के पढ़ाई करने के लिए एक छोटा सा कंप्यूटर एंड देन बुक्स को रखने के लिए यहाँ पे स्टडी टेबल है जी एंड फिर भी स्पेशियस है सर मतलब अगर मैं अगेन यू हैव अ लार्ज बालकनी आउटसाइड यस मैं तो ये देख रहा हूँ सर कि आपने स्पेस कितना यूटिलाइज किया कि आराम से मैं वॉक कर पा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपको क्रैम्प्ड नहीं लगेगा कोई भी कमरा मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है हम हाँ सर मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि सर थोड़ा सा साइड दीजिएगा मुझे आगे जाना है देयर इज इनफ स्पेस इन ऑल द रूम यस सर एंड ये बालकनी एंड अगेन वी हैव अ नाइस बालकनी Which overlooks the front road, the side road, and the rear side. Right. मुझे यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे भी नजर आ रहा है हाँ जी हाँ जी हाँ जी इस बालकनी का साइज क्या है किड्स रूम के बालकनी का इट इज 13 by 6 feet सर अब आपने जैसे किड्स रूम के यहाँ पे ग्लासेस दिए हुए हैं सो आर दी सेफ या दे आर 100% सेफ दे आर टफन्ड ग्लासेस ओके एंड दे आर टेस्टेड ट्राइड दे आर 100% तो जैसे यहाँ पे इतना सारा आंधी तूफान भी आता है समझ नहीं दे आर ऑल टेस्टेड ट्राइड ओके दीज ग्लासेस हैव बीन यूज्ड इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स राइट ऑल्सो सो दे आर टोटली सेफ ओके सर इसके स्विचेस कहाँ एक बार इस रूम में भी लाइट ऑफ करके दिखाएंगे मुझे कि लाइट आता है नहीं मेरे हिसाब से तो आना चाहिए प्रॉपर लाइट लाइट आप देखिए अभी तो आप क्योंकि यू आर देखिए इस वक्त सारी लाइट्स ऑफ हैं जी एंड स्टिल यू हैव एम्पल लाइट यस एंड दिस इज ऑल्सो वास्तु कंप्लाइंट आप जैसे मुझे बता रहे थे कि जो फेसिंग है बेड का वो ईस्ट के तरफ है पैर ईस्ट के आर टुवर्ड्स नॉर्थ इन टू बेडरूम्स जी एंड वन बेडरूम इट इज टुवर्ड्स ईस्ट ओके सो ये दोनों ही ठीक है हाँ जी एज पर वास्तु जी नॉर्थ इज सपोज टू बी द बेस्ट सेकेंड बेस्ट इज सपोज टू बी द ईस्ट डायरेक्शन ओके एंड यहां से हम बाहर आते हैं मूव इन टू द मास्टर बेडरूम सो दिस इज द मास्टर बेडरूम वाओ वेरी नाइस सर आपने इंटीरियर्स बहुत अच्छे से किया हुआ है एंड आई कैन डेफिनेटली मेक आउट कि आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस यूज कर लिया हर जगह में जो छोटी छोटी चीजों को देखा है मैंने यहाँ पे वो सारा कुछ आपने यूज किया हुआ है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका साइज क्या है सबसे पहले तो ये 11.5 फुट by 15 फुट का है अप्रोक्सीमेटली आपने यहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग स्पेस भी दिया हुआ है यहाँ पे जी वार्डरोब since we have a dresser in this, so you have 2-3 large wardrobes. अगर इस वार्डरोब की ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ती अगर चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं रूम और बड़ा लगेगा हाँ जी जी मैं एक बार आपको चारों तरफ घूम कर दिखाता हूँ you need lot of storage space, so right. we have provided enough almirahs in all the rooms. Right. So that after almirahs, you should know how much space is available. Correct, correct. So यहाँ पे मैं आपको एक बार रूम में टर्न करके दिखाता हूँ दिस इज 15 फीट by 12 feet. Yeah.
एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका एक वॉकिंग क्लोजेट है, ये भी ऐसा रूम। ओके, सो इसमें ये चीज मिरर जैसा लगा हुआ मिलेगा या दिस नहीं, नहीं, ये तो आपको लगाना है जी। ऑल द अलमीराज एंड मिरर्स हम नहीं लगा रहे हैं। ओके, दैट इज एज पर योर चॉइस, वो सब इंटीरियर्स अपने हिसाब से लोग करते हैं जी, तो चॉइस इज वेरी राइट। देन यू हैव द, हाँ मैं एक बार चारों तरफ घूम कर दिखा देता हूँ। सो ये देखिए यहाँ पे बालकनी है, इसको ओपन करेंगे तो इस बालकनी का साइज क्या है सर? 6 feet by 18 feet। ये देखिए बालकनी, देखिए जैसे आपने बालकनी का वो खोला बाहर का शोर आ रहा है जी। वंस यू क्लोज इट शोर खत्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड अब हम चलते हैं इसके वॉकिंग क्लोजेट में और वहां से वॉशरूम है। हाँ जी सर, इसका साइज क्या है? This is 6 by 6 feet. 6 feet by 6 feet. Yeah. Okay. So जिसमें आपने अलमीरा बना दिया है ये। हाँ जी, हाँ जी। Okay. And then यहाँ से we go into the bathroom. सर आपकी जो टाइल्स की चॉइस है ना वो बहुत अमेजिंग है। जितने रूम में मैं गया हूँ हर जगह बिल्कुल डिफरेंट मिला है मुझे। हाँ जी। ये भी तो ऑप्शन होता कि आप सारे वॉशरूम को एक जैसा बना देते हैं, आपने चेंज नहीं किया? वो तो अलग अलग बनाएंगे तभी अच्छा लगता है। ओके, बट बहुत अच्छी आपके टाइल्स की कलेक्शन सर। हाँ जी, दिस इज द लार्जेस्ट बाथरूम। इसका साइज क्या है सर? दिस इज ऑलमोस्ट, अगर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस इज 10 feet by 6 feet. 10 feet by 6 feet. हाँ जी, मतलब एक जो सर्वेंट रूम होता है ये उससे भी बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, लोहे के पिक्चर्स भी हैं जी। दिस वैनिटी स्पेस विल बी प्रोवाइडिंग इन ऑल द बाथरूम। मतलब ये सारा जो है ये सारा ऐसे बना हुआ मिलेगा एज इट इज, जब एक्सेप्ट द मिरर एवरीथिंग विल बी देयर। ओके सर, आपको क्या लगता है कि ये जो अपार्टमेंट है ये किसी इन्वेस्टर को लेना चाहिए या एंड यूजर को लेना चाहिए, फायदा किसको? एंड यूजर वुड लव टू स्टे हियर। ओके, रहने में जो उसे मजा आएगा जी, इट विल बी अमेजिंग वंस दिस गेट्स कंप्लीटेड। जितनी अमेनिटीज और जितना ब्यूटीफुली ये बना हुआ है प्रोजेक्ट जी, इट विल बी सर, आप मेरे द्वारका एक्सप्रेस के वीडियोस देखते हैं? डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। अगर मेरे व्यूअर्स यहाँ पे आते हैं आपके अपार्टमेंट को लेने के लिए और वो, उनको कोई एडिशनल बेनिफिट मिलेगा अगर वो मेरे व्यूअर्स हो तो? आपके थ्रू आएंगे तो कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा उनको। जी सर जी। एंड जितना अच्छा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे मेरे ख्याल से और कोई कर भी नहीं पाएगा। थैंक यू सो मच सर। सर मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ आपसे पूछ लिया है, कुछ ऐसा है जो अभी तक मैंने आपसे ना पूछा और आप बताना चाहते हो या ऐड करना चाहते हो? नहीं, मेरे ख्याल से तकरीबन सब कुछ पूछ लिया आपने जी। बट वील हैव वेरी नाइस एलिवेशन आल्सो फॉर दिस बिल्डिंग्स वंस दे आर कंप्लीटेड जी, विद जीआरसी जाली फ्रेम्स। अभी तो हमने दिल में देखा, लव टू इट, इट विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर ऑल टुगेदर जी। आप अगर देखेंगे एन इवनिंग व्यू विल बी इवन ग्रेटर देन देन द डे व्यू जी। सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे आपने यहाँ पे ले लिया, ये काफी पास है द्वारका एक्सप्रेस के पास। हाँ जी राइट। दिल्ली एनसीआर में आपके अभी और कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लॉन्च करने वाले हैं? अभी हम एक प्रोजेक्ट सोना में लॉन्च करने वाले हैं, एक प्रोजेक्ट राइट बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे ऑन दिल्ली बॉर्डर इटसेल्फ, इट्स अ लार्ज मिक्स्ड लैंड यूज प्रोजेक्ट। या तो वो सेक्टर 111 होगा या 113 होगा। 113 में ऑल राइट, बैंग ऑन द्वारका सबसे प्राइम लोकेशन तो वही है सर। हाँ जी। और यहाँ से अगर हम वहां जाए तो 5 मिनट का ही डिस्टेंस, मैक्सिमम 5 मिनट का डिस्टेंस है जी जी। दैट विल कम अंडर मिक्स्ड लैंड यूज। तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ पूछ लिया, अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ रह गया हो जो आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। नीचे नंबर दिया हुआ है, आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर अभी अभी एक चीज रह गया है। हाँ जी, याद आ गया मुझे। हाँ जी सर, मेंटेनेंस कितना होगा यहाँ का? मेंटेनेंस विल बी वेरी वेरी नॉमिनल जी, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4,000 rupees पर फ्लैट। 4,000 rupees पर फ्लैट, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 rupees 50 paisa पर स्क्वायर फीट, प्लस GST अगर एप्लीकेबल होगा। हाँ जी। ओके ठीक है सर, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको संतूर एस्पिरा का ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। इस वीडियो को देखकर आते हैं आप यहाँ पे बताते हैं मेरे बारे में तो आपको डेफिनेटली जरूर कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू सर।